आइए आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, किस तरह से हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग जो है अपने सिंपल सेंटेंस बनाने में प्रयोग करते हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब किया जाता है जब दो वाक्यों के कर्ता सब्जेक्ट भिन्न भिन्न व्यक्ति या वस्तु होते हैं, ना कि एक। नंबर दो, उन वाक्यों के वर्ब से ऐसा मालूम पड़ता है कि जो कार्य एक दूसरे के बाद होते हैं उनके बीच एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन यानी कारण और उसके परिणाम का संबंध होता है, जैसे द सन हैड सेट। The sun had set, darkness came, अब यहां पर जो है पहला जो वाक्य है हमारा उसका कर्ता क्या है, उसका कर्ता सन है और दूसरा जो वाक्य है उसका कर्ता डार्कनेस है। अब हम ये देखते हैं कि यहां पर दो वर्ब यानी कि सेट एंड केम, सेट वर्ब और केम वर्ब जो है हमारी आई हुई है, जिनमें एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि सूर्य के डूबने पर अंधेरा आ जाता है। तो इसलिए इस वाक्य को जब हम इसका प्रयोग करेंगे, इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस की रचना करेंगे तो क्या बनेगा, द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट, फिर कॉमा लगा देंगे यहां पर और फिर लिख लेंगे डार्कनेस कैम। इसके बाद में इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि बात हमारा अगर यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, अगर सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल हेल्पिंग वर्ब आई है, तो वहां पर आप हैविंग बीन का प्रयोग करके इन वाक्यों को बना सकते हैं या फिर बीन का प्रयोग करके भी वाक्यों को बना सकते हैं। जिन वाक्यों में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो वहां पर हम जब वाक्य बनाते हैं तो वहां पर हैविंग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल दे रखा है कि द डीड वाज साइंड, द डीड वाज साइंड, ऑल वर सेटिस्फाइड, ऑल वर सेटिस्फाइड। अब देखिए यहां पर सेंटेंस दिया है, यहां पर इन्होंने तुरंत जो है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में शो कर दी है, तो जब सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो तो आप उसे हैविंग के साथ बीन लगा करके प्रयोग कर सकते हैं या फिर बीन BEING बीन का प्रयोग करके बना सकते हैं। अब यहां पर जैसे अगर इस वाक्य की हम सिंथेसिस करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो क्या बनेगा, द डीड, द डीड, यहां पर हैविंग बीन, हैविंग बीन शाइंड, द डीड हैविंग बीन शाइंड, कामा आर वर सेटिस्फाइड, अगला जो दिया हुआ वाक्य है वो हम जीव का दिन उतार देंगे, आर वर सेटिस्फाइड। तो इस तरह से बनाया है। अगर हम यहाँ पर इस हैविंग बीन का ना प्रयोग करें तो हम केवल यहाँ पर हम BEING बीन का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, क्योंकि बीन और हैविंग बीन का सेंस जो है वो इक्वल हो रहा है।
अब इसी तरह से हम आपको और इसका एक उदाहरण देते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का हम प्रयोग जो है किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे दिया है कि द वेदर वाज फाइन, द वेदर वाज फाइन, वी एंजॉयड द वॉक, वी एंजॉयड द वॉक। अभी हमारा जो सेंटेंस दिया है इसमें भी आप देख रहे हैं कि द वेदर क्या है, हमारा दिया हुआ सब्जेक्ट है, इसके बाद में जो वाज लगाया गया है वो इसे सहायक क्रिया की तरह प्रयोग किया गया है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो ये हमारा वाज जो है इसे चाहे आप बीइंग का प्रयोग करके बना दीजिए, चाहे हैविंग बीइंग का प्रयोग करके बना दीजिए, तो अगर इसे बनाना है तो इसकी जो सिंथेसिस करेंगे तो वाक्य बन जाएगा द वेदर बीइंग फाइन कामा बी एंजॉयड द वॉक, बी एंजॉयड द वॉक। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है कि हमारे जो दिए हुए दो वाक्य होते हैं इन दोनों वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है वो दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और दिया होगा यहाँ पर कुछ और दिया होगा। तो जब हम इसकी सिंथेसिस करते हैं तो बाद में पहले को यहाँ से लेकर के देखते हैं कि अगर दिया हुआ यहाँ पर हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब दिया है तो वहाँ पर बीइंग का प्रयोग करके बना देंगे या हैविंग बीइंग का प्रयोग करके बना देंगे, वहाँ की कामा लगा करके आगे वाक्य को युक्तिम उतार देंगे। अगर बात में यहाँ पर बाय बर या बिल शैल या हैज है का प्रयोग नहीं दिया गया है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है तो क्या करते हैं या थर्ड फॉर्म आगे लगा दी गई है तो हम यहाँ पर केवल जो है हैविंग और जो दी हुई वर्ब है हमारी उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके ही इसको बनाते हैं। इसी तरह से एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं, द स्टीमर वाज डिलेड, द स्टीमर वाज डिलेड, द स्टीमर वाज डिलेड, वाई ए स्टॉर्म, वाई ए स्टॉर्म पर स्टार्ट, बी लेफ्ट वाई ट्रेन, बी लेफ्ट वाई ट्रेन। अब जब इसकी हम सिंथेसिस करेंगे बात तो क्या बनेगा, मतलब जब इसका एक साधारण वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बात के अकॉर्डिंग आप जो है हैविंग मीन का प्रयोग कर दीजिए या फिर जैसे हमने ऊपर वाले वाक्य में बताया था बीन का प्रयोग कर दीजिए, तो वाक्य बन जाएगा द स्टीमर हैविंग बीन, हैविंग बीन डिलेड बाई ए स्टॉर्म, पूरा उतार देंगे आगे तक, डिलेड वाई ए स्टॉर्म कामा, और यहाँ पर है द स्टीमर सब्जेक्ट, यहाँ पर दिया है बी, तो दोनों में डिफरेंस है तो जाहिर है कि आगे का जो दिया हुआ वाक्य है वो हमारा सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी लेफ्ट वाई द ट्रेन, जो भी दे रखा हो द ट्रेन हो या खाली ट्रेन हो जो भी हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा वाक्य आ जाएगा। अब कुछ इस प्रकार के वाक्य होते हैं जैसे कि दिया हुआ हमारा वाक्य है द बिजनेस विल नाउ प्रॉस्पर, ही एंड आई कम टू टर्म्स। अब हम अगर इस तरह के वाक्यों का नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट प्रयोग करके बनाते हैं तो हम ऐसे वाक्यों में पीछे की ओर से बनाएंगे, जैसे ही एंड आई जो हमारा वास्तविक हमारा जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ रखेंगे, क्या बनेगा He and I, He and I। फिर यहाँ पर हम having का प्रयोग करके बनाएंगे, He and I having come to terms, having come to terms। अब हमने
बात को पीछे की ओर से लिया और हैविंग का प्रयोग किया, कम जो है हमारी कम के कम यानी कि थर्ड फॉर्म भी आ गई टू टर्म्स। और इसके बाद में द बिजनेस विल नाउ प्रॉस्पर, ये आगे के लिए जोड़ दिया जाएगा इसी बात में द बिजनेस विल नाउ प्रॉस्पर। अब ये क्या है कि कुछ ऐसे मतलब कंडीशन के बात होते हैं तो आपको उनमें इसी तरह से प्रयोग करना है। क्या है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है, अर्थात उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से नहीं होता है, अर्थात ना तो वो किसी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट और ना ही बा किसी प्रेपोजिशन से गवर्न होता है, वह किसी नाउन से इन अपोजिशन में भी नहीं रहता है। इस तरह से जो है नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट की जो है विधि प्रयोग की जाती है। क्या होता है कि जो हमारे कर्ता जो कार्य पहले होता है जो कारण का काम करे उसके कर्ता यानी सब्जेक्ट को प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल के पहले रख दिया जाता है, और जो कार्य दीर्घ हो जो कारण का फल हो उसके कर्ता को नॉमिनेटिव मान लिया जाता है और उसको आगे के लिए सपोज कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में जान गए।